हम लोग देखेंगे प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस की स्टेट क्या होती है। ये बेसिकली सीपीयू शेड्यूलिंग का पार्ट है, जहां पर प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रोसेस कैसे वर्क करती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस को समझते हैं कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस एक, सबसे पहले तो हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ लाइंस। प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ लाइन विच इज यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी कि कोई वर्क करवाने के लिए हम उसकी जो इंस्ट्रक्शन का सेट लिखते हैं उसको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। जैसे हमें एडिशन चाहिए तो हम यहाँ पे ए वैल्यू इंटर कराएंगे, बी वैल्यू इंटर कराएंगे और उसका एडिशन परफॉर्म करेंगे, ए प्लस बी प्रिंट कराएंगे, ए प्लस बी। या इसको अगर हम सी में स्टोर करा देते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको सी को प्रिंट करा सकते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शन लिखे गए थे, ये सेट जो इंस्ट्रक्शन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इन सब का सेट को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। तो अब प्रोसेस क्या होती है? प्रोग्राम एट रनिंग स्टेट इज नॉन एज प्रोसेस। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल स्टेट में आता है तो उसको प्रोग्राम कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती हैं। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन स्टेट इज नॉन एज प्रोसेस। तो अब प्रोसेस की स्टेट के बारे में बात करें कि प्रोसेस जब रन, कोई प्रोग्राम जब रन होता है तो उसमें कितनी स्टेट आती हैं, वो जो प्रोसेस का पार्ट होती हैं। तो इसको हम लोग एक स्टेट डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। स्टेट ऑफ प्रोसेस, स्टेट ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस की बेसिकली फाइव स्टेट होती हैं। इसको आप ब्रॉक, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके गेट के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोसेस के स्टेट के बारे में। तो फाइव जो स्टेट होती हैं मैं उनको आराम से डिस्कस करता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए इसको मैं आराम से डिस्कस करूंगा। फर्स्ट आपकी है न्यू, यानी कि जब आपकी प्रोसेस बन रही है, जैसे ही आपके एग्जीक्यूट होने, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला होता है तो आपकी प्रोसेस न्यू के फॉर्म में होती है कि उसका ऑब्जेक्ट या उसके लिए स्पेस क्रिएट हो रहा है मैन मेमोरी में, तो वो न्यू। सेकेंड आपकी आएगी रेडी, इसको हम लोग अभी ब्लॉक डायग्राम से समझेंगे, स्टेट डायग्राम से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तीसरा है रनिंग, उसके बाद आपका आता है वेटिंग, वेटिंग और ब्लॉक, और फिफ्थ आपका है एग्जिट और टर्मिनेट। तो अब इसको हम ब्लॉक डायग्राम में समझेंगे इन पांच प्रोसेस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं इसको बिल्कुल धीरे धीरे आराम से बता रहा हूँ, सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले जब प्रोसेस रन, प्रोग्राम रन होने की कंडीशन होती है तो सबसे पहले न्यू स्टेट आती है, जब प्रोसेस बन रही बनी होती है न्यू। उसके बाद जब ये बन जाती है तो ये रेडी होती है, सारे जब इसके कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं तो ये रेडी होती है, रेडी। और उसके बाद ये सीपीयू का वेट करती है, और जैसे ही इसको सीपीयू मिलता है तो ये रनिंग स्टेट में पहुंच जाती है। तो न्यू के बाद ये वेटिंग, वेटिंग के बाद ये रनिंग, और उसके बाद अगर रन होके फिनिश होती है तो ये होती है एग्जिट और टर्मिनेट। और अगर रनिंग रनिंग करने के टाइम पे कोई इसकी प्रोसेस प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे इनपुट के लिए डिमांड कर रही है या फिर कोई इसमें दिक्कत आ जाती है, तो सीपीयू वहां पे वेट नहीं करेगा उस प्रोसेस का, वो उसको वेटिंग लिस्ट में वेटिंग क्यू में डाल देगा और नई प्रोसेस को असाइन कर लेगा। कंप्लीट होगा तो ये फिर से रेडी क्यू में जाएगी और उसके बाद फिर से रनिंग होगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग अगर डिस्कस करें तो यहां पे न्यू से रेडी में जाने को बोलते हैं हम एडमिटेड,
ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है और ये आपको आगे काफी यूजफुल रहेगा। जब हम लोग इसके शेड्यूलर के बारे में बात करेंगे तो ये हर साल आपका, ये समझ लीजिए, एग्जाम में आना ही आना है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको इतने धीरे से और डिटेल से समझा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ पे जाने पे ये डिस्पैच, यहाँ पे एग्जिट, और ये आपका आईओ के लिए वेट हो सकता है और इवेंट वेट। और जैसे ये आईओ इनपुट आउटपुट और इवेंट कंप्लीट, तो ये यहां जाएगा। और इसके बाद एक कंडीशन ये भी आती है कि बीच में चलते चलते कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इंटरप्ट होने की वजह से, क्योंकि ना उसको आईओ की दिक्कत है ना कोई इन इवेंट के लिए वेट कर रही है, अगर डायरेक्ट वो इंटरप्ट होती है तो ये रेडी क्यू में चली जाती है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो इसको अभी एक डायग्राम और बताएंगे जहां पे हम लोग शेड्यूलर के बारे में बात करेंगे, तो सेम डायग्राम रहेगा। उसमें होता क्या है, जैसे ही प्रोसेस सीपीयू की डिमांड करती है तो वो न्यू स्टेट पे आती है। अब जितनी भी स्टेट प्रोग्राम आ रहे हैं वो सारे न्यू स्टेट से शुरुआत करेंगे और रेडी क्यू में, ये क्यू होती है, इस क्यू में ये स्टोर होते जाएंगे जैसे जैसे प्रोग्राम आता जाएगा, और उनमें से कोई एक सेलेक्ट होगी और डिस्पैच होके जाएगी जो सीपीयू को एक्सेस करेगी और रन करेगी सीपीयू को लेके। अगर आपका सिंगल प्रोसेसर है तो एक ही प्रोसेस जाएगी, मल्टी प्रोसेसर है तो एक से ज्यादा प्रोसेस जाएंगी, वो डिपेंड करता है, लेकिन बेसिकली हम लोग यहाँ पे सिंगल प्रोसेसर को ले कंसिडर करके इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक प्रोसेस उठ के जाएगी और रनिंग स्टेट में रहेगी। अब मान लीजिए इस ये प्रोसेस आपकी उठ के गई और इसको कोई प्रॉब्लम आती है या किसी इवेंट की लिए वेट कर रही है, तो ये वेटिंग लिस्ट में चली जाएगी जब तक कि उसका इवेंट पूरा नहीं हो जाता, और ये दूसरी प्रोसेस को उठा लेगा तब तक। और फिर ये जैसे ही उसका इवेंट कंप्लीट होगा जो कि जिसके लिए वो वेट कर रही थी, तो वो फिर से यहाँ रेडी क्यू में यहाँ पीछे आएगी। अब उसके बाद जब इसका नंबर अगली बार आएगा तब ये फिर से रन होगी, और ये जो दूसरी वाली रन हो रही थी, जैसे ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो ये एग्जिट कर जाएगी। तो जो शेड्यूलर होते हैं, हम लोग आगे सेम कॉन्सेप्ट को शेड्यूलर में भी बताएंगे। तो पहले तो शेड्यूलर हम बता दें, यहाँ पे आपका जो शेड्यूलर होता है इस स्टेट से स्टेट में जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, ये होता है आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। यहाँ से यहाँ तक जाने वाला जो शेड्यूल ले जाने वाला जो शेड्यूलर होता है वो होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और यहाँ से यहाँ पे जो वर्क करता है वो होता है मीडियम शेड्यूलर। ये वेटिंग वाले उसके लिए है, यहाँ आने के लिए जो शेड्यूलर होता है वो होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये थी स्टेट डायग्राम, आप इस डायग्राम को बना लीजिए और ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। तो फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि प्रोसेस क्या होती है। प्रोग्राम एट द एग्जीक्यूशन स्टेट इज नॉन एज प्रोसेस। प्रोसेस में पांच स्टेप होती हैं, स्टेज होती हैं न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड एग्जिट। डायग्राम यही रहेगा, सबसे पहले न्यू, उसके बाद ये जाएगा रेडी के लिए, रेडी से रनिंग स्टेट पे, और रनिंग स्टेट से एग्जिट और टर्मिनेट स्टेट पे जाएगा। और यहाँ पे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा, और अगर किसी वजह से जैसे आपका सिस्टम अचानक पावर कट हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये इंटरप्ट हो जाएगी प्रोसेस और वो रेडी क्यू में चली जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इससे आगे। तो अगले वीडियो में हम लोग पीसीबी के बारे में बात करेंगे, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो ये था आपका प्रोसेस स्टेट के बारे में, स्टेट्स और प्रोसेस के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।